Hey friends, welcome back to the channel Azan and I. This is your host and dost Irfan. और आज है संडे मॉर्निंग. मैं अभी अभी सो के उठा हूँ. बड़ा ही अच्छा मौसम हो रहा है बाहर का और आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है. हम सब जा रहे हैं नए वाशा यहाँ से कुछ 2 घंटे दूर है. ऑलमोस्ट 100-120 किलोमीटर्स फार फ्रॉम हियर. मगर ट्रैफिक व्रैफिक मिला के 2 ही घंटे पहुँच जाते हैं. और इट्स अ स्मॉल टाउन, मगर उसके आगे पीछे बहुत जगह है घूमने की फिरने की. इट्स अ नाइस प्लेस टू रिलैक्स. और वहाँ पर लॉजेज हैं, रिजॉर्ट्स हैं, बहुत मज़ा आता है. वहाँ पर बहुत बड़ा सा लेक है और लोग बोटिंग के लिए जाते हैं. हम आपको वो सब आज दिखाएंगे. सो मेक श्योर गाइज वॉच द वीडियो टिल दी एंड. बहुत मज़ा आएगा आप सबको. और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. आप लोग शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें. और सब्सक्राइब ज़रूर करें. जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है आप सबको पाप लगेगा, गुनाह मिलेगा. बहुत बुरी बात है. बात तो सही है. प्लीज अभी के अभी जाके सब्सक्राइब करो. मैं वेट कर रहा हूँ. 1 hour later कर लिया सब्सक्राइब. गुड, सब्सक्राइब करो, लाइक करना जरूर करना. चलो अब चलो मैं जाके तैयार होता हूँ. अब फिर जाके नीचे देखते हैं क्या सब चल रहा है, क्या पकड़ा है, क्या नहीं पकड़ा. फिर निकलते हैं जल्दी से नए वाशे के लिए. रेडी टू गो. तो गाइस अभी हम निकले हैं. सोचा पेट्रोल डलवा लें, हवा हवा चेक करा लें टायर्स की. और बाहर निकलते देखे कितना अच्छा नाइस सनी डे हो रहा है. ये देखें, इट्स अ लवली डे संडे मॉर्निंग. तो गाइस फ्यूल तो डल गई अभी, बस प्रेशर चेक करा रहा था मैं कि सब ठीक है कि नहीं. थोड़ा सा टायर में हवा कम थी तो वो भी अब सो गई है. चलो थोड़ा पानी ले लेते हैं अजान. पानी और कुछ स्नैक्स स्नैक्स ले लेते हैं जाने के लिए. चलो गाइस पानी खाने भी हो गया, अब डायरेक्ट घर के लिए निकलते हैं. लेट्स गो गाइस, लेट्स गो. जो पेट्रोल स्टेशन के स्टोर्स होते हैं वही है ये पर. तो हमने यहीं से ले लिया था फिर सब कुछ. हाय सिट डाउन. चलो भाई सारी तैयारी तो हो गई. अभी देखो फ्यूल भी भर गई पूरी. अब निकलते हैं बस घर के लिए. सो गाइस जब से अजान कहे जा रहा है ही इज एक्साइटेड. ही इज एक्साइटेड. अजान कैन यू टेल योर व्यूअर्स यू आर सो एक्साइटेड टू गो. यस. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर आर यू गोइंग? टू द पिकनिक. बट वी आर गोइंग टू नए वाशा. यू रिमेंबर नए वाशा? The lake side? We are going to the forest and make our picnic over there. It should be kind of like in the woods, right? Yeah. हाँ भाई हम सब लोग निकल गए हैं अभी नवाशा के लिए. अभी रास्ते में हैं सबके सब. हमारे सर मॉम तैयार है, रेडी है. ये देखें जान का आई भी तैयार है, किरत भी तैयार है और हमारे साथ है एक मिस्टर इंडिया. आपको पता है मिस्टर इंडिया जो था नजर नहीं आता था, सिर्फ सुनाई देता था. यहाँ पर भी सुनाई देगा, नजर बिल्कुल नहीं आएगा. ये क्या हो रहा है सीमा? ये सुनाई नहीं दे रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा. आई मीन व्हाट इज
हाँ भाई माँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये जगह सही बहुत अच्छी है और मुझे तो ये जगह बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है यार, पीछे का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। देखो चलो भाई पहुंच गए हम लोग। This is how the place looks like। I literally want to even touch the water। Adan, do you remember this place? You have been here before? Yes, I want to touch the water। आज इतने टेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, कुछ लग रहा है पार्टी शार्टी हुई थी, और ना यूजली इतने होते नहीं है एक साथ। ये देखिए बड़ा व्यू चेक करें कि कितना सुकून है इस जगह पे, ना शोर है ना शराबा है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर रिलैक्स करें है। बहुत प्यारी जगह है यहाँ पर, घास घास बहुत हरा भरा रहता है यहाँ पर, दरख्त हैं इतने, सामने लेक साइड है, और बच्चों के लिए तो हेवन है ये भी। गाइस लुक एट दिस होल, और यहाँ पर ना इस जगह पे हम एटलीस्ट मैं बहुत टाइम से आ रहा हूँ। यस यू नो आई एम गोइंग दैट, वॉच मी। ओके दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई लाइक अबाउट दिस प्लेस, किड्स एंजॉय थॉरली। मैं तब से आ रहा हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, भाइयों के साथ, और आज मेरे बच्चे आए हैं साथ। टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है यार। और ये जगह ना नैरोबी से ज़्यादा दूर भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर लोग आ जाते हैं डे स्पेंड करने भी। सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव थी, 100 किलोमीटर्स। नहीं, जैसे कि लोगों को तो शोर शराबा चाहिए होता है, वो नहीं है। इस जगह का मज़ा ही यही है कि इतनी सुकून की जगह है, शोर शराबा नहीं होता यहाँ पर, और बच्चे सब लोग एंजॉय कर लेते हैं। जो लोग नज़र आते हैं, जो लोग नज़र नहीं भी आते, वो सब एंजॉय करते हैं यहाँ पर।
ये कौन सा हमें चिकन कढ़ाई चिकन कढ़ाई बनी है गाइस। अजान आपने खाया केकी को मजेदार चलो गाइस अभी हमारा खाना पीना तो हो गया, चाय भी ऑलमोस्ट हो ही गई है। अभी अजान को हम साइकिल दिलाने गए, उसकी मॉम और दादी तो साइकिल लेके आएगा, वो अपना एंजॉय करेगा। किरत की भी साइकिल ले लेंगे छोटी, और बस थोड़ी यहाँ पर और चिल करते हैं, देखते हैं और क्या एक्टिविटीज़ है। मैं सोच रहा था कि अगर हिप्पोज आ जाते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत हिप्पोज होते हैं, तो वो भी आपको दिखा देते, मगर देखते हैं शाम के टाइम पर शायद आ भी जाएँ। अभी तो आफ्टरनून ही चल रही है, अभी 2 ही बजे ऑलमोस्ट, तो बस ऐसा है कुछ यहाँ का सीन। अभी आपको आगे का भी दिखाएंगे। तो गैस देखो यहाँ पर सब फैसिलिटीज़ भी हैं, यहाँ पर शावर भी ले सकते हैं, और ये बेसिन भी है, और ये मैं हूँ, और ये हमें, और ये हमारी पार्टी हो रही है। एंड यहाँ पर अच्छे वॉशरूम भी हैं, लेकिन लेडीज और जेंट्स के दोनों। और वहाँ पर हम बैठे हुए थे, अपने यहाँ पर कार है इस साइड पे। अभी कोई बस आई है यहाँ पर, इसमें काफी लोग निकल के आए हैं अभी। कैसे हैं आप सब लोग? हम भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और आज हम लोग नेवा आए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, और आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा और आखिर तक हमारी वीडियो देखिएगा, और देखने के बाद अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाइस लाइक ज़रूर करना, मेरी मम्मी ने भी अब फिर से बोला है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करना मत भूलना, और जो बेल आइकन बना होता है ना उसको ज़रूर हिट करना, ताकि जब जब हम नए वीडियो डालें आपको उसी वक्त पता चले, आपको नोटिफिकेशन आए। इधर कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहा है, कुछ ऑर्फनेज का या किसी बच्चों की सपोर्ट का, नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट इट इज। अजान को स्ट्रीपर चलना है, इतना लंबा दे, गुड जॉब अजान। या वेट, तो गाइस इस साइड से ना यूजुअली बोट्स लेते हैं और जाते हैं वहाँ लेक के अंदर। A few moments later. हाँ, let's go. पापा। Come. पापा। 6,200 above sea level. वाह भाई। याद आया मम्मी, हम यहाँ रुक चुके एक दफा, हाँ याद आ गया।
वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है ना, जब रात हो जाती है मगरिब के बाद, यहाँ पर अकेले बाहर जाने भी नहीं देते हैं, किसी ना किसी गार्ड के साथ जाना पड़ता है बाहर, क्योंकि यहाँ पर रात को एनिमल्स होते हैं बाहर। आपको जो लॉज होता है उसके बाहर ही ज़ेब्रा फिर रहे होते हैं, हिप्पोस फिर रहे होते हैं। हमने यहाँ ख़ुद देखा था, हम यहाँ पर जब रहने आए थे तो हमारे सामने बिल्कुल विंडो के सामने, रूम के सामने हिप्पोस घूम रहे थे रात को। ये देखें, ऐसे कुछ हट्स हैं यहाँ पर जो रूम्स होते हैं, इनका होता है रेंट पर नाइट लाइक 28,000 शिलिंग्स। हम एक्चुअली यहाँ कहीं रहे थे ना, इस साइड पे कहीं, यहाँ कहीं। सो इनसेनली ब्यूटीफुल गाइस। कल काम नहीं होता तो आज हम यहाँ रुक भी जाते हैं। चल झूठा। अनफॉर्चुनेटली मंडे है एंड वी हैव टू गो बैक टू वर्क। चलो किसी और दिन आएंगे, किसी और वीकेंड को आएंगे। सैटरडे, यूजुअली सैटरडेज को आना चाहिए यहाँ, और सैटरडे रात को रुक जाओ, संडे शाम को यहाँ से निकल जाओ। हसन, डू यू सी द ज़िप्पर्स इन फ्रंट ऑफ यू? जस्ट कैन यू लीव मी देयर? इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सामने ही ज़िप्पर्स हैं हमारे, और हमारे अजान को दिख नहीं रहा है। अजान, as I said earlier, अगर कल काम नहीं होता, कल मंडे नहीं होता, definitely we'll stay tonight here. नहीं, झूठ बोल रहा है। कैसी जगह है ये? जगह बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी लग रही है ये जगह। यहाँ पर हम हिप्पोस जब से स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, यहाँ है कुछ, यहाँ पे कुछ है अभी। आवाज आई थी इतनी तेज हिप्पोस की, मगर नजर नहीं आ रही। नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी जगह है कुछ गाइस, इस जगह का नाम है नवाशा सोपा लॉज, और काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन है ये। यहाँ बहुत पहले रहने आए थे दो रात के लिए, जब अजान भी छोटा था, और बहुत मज़ा आया था। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, फिर प्लान बनाना पड़ेगा यहाँ आने का है। मैं कह रहा था कि अगर कल छुट्टी नहीं होती आज रुक जाते यहाँ पर। कल छुट्टी नहीं होती। हम सैटरडे को आए ना, फिर रुक सकते हैं सैटरडे संडे। ओके। रात के तो फुल मजे आए हैं भाई, फुल एंजॉय कर रही है। पूछा मैंने कुछ?
चलो गाइस आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलो फिर मिलते हैं, अंटिल द नेक्स्ट वन, सी यू, टेक केयर, पीस।